हेलो फ्रेंड्स, आजना आपड़ा आ वीडियो में आप चर्चा करीशू धोरण 10 इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टंट शॉर्ट नोट ना वीडियो में आप आज जोवा जाइ रह्या छे, समझवा जाइ रह्या छे यूनिट नंबर 6 आई लव यू टीचर। आ पाठ माथी जे बे शॉर्ट नोट निकले छे तेमाथी पहली शॉर्ट नोट हेलन अ गिफ्टेड लर्नर, एक गॉड गिफ्टेड लर्नर जे खरी ते केवी होय एना विषयनी सरस मजानी आपणे शॉर्ट नोट जोवा जाइ रह्या छे। 10 पॉइंट छे, फटाफट आपणे पॉइंट टू पॉइंट समझ मेळवता जईशुं, परंतु ते पहेला वीडियो ने लाइक कमेंट अने शेर अचूक करी देशो अने चेनल ने सब्सक्राइब नहीं करी होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देशो, कारण के आपणे दरेक चेप्टर माथी आज प्रकारे मोस्ट इम्पोर्टंट शॉर्ट नोट एसे रिपोर्ट ना वीडियोस बनावीने मुकता ज रहीए छीए। तेथी अने साथे साथे बीजा जे इंग्लिश ना ग्रामर ना पण वीडियोस आपणे मुकता रह्या छे तो ए वीडियो तमाराथी स्कीप नहीं थई जाय, मिस नहीं थई जाय, एटला माटे चेनल ने सब्सक्राइब पण करी देशो। सो पॉइंट नंबर 1 जोईए, हेलन वॉज डीफ ब्लाइंड एंड डम्ब वेन सी वॉज क्वाइट यंग। ज्यारे हेलन खूब नानी हती, चार पांच वर्षनी हती त्यारे ज ते बहरी थई गई, डीफ एटले बहरू, ब्लाइंड एटले अंध थई गया, अने डम्ब एटले के बोली पण नहीं सकता हता, मूंगा थई गया। पॉइंट नंबर 2, विथ द हेल्प ऑफ हर टीचर एन सुलिवान सी लर्नेड अथवा तो लर्न्ड, बेमाथी एक तमे जे शब्द बोलो होय ते बोली शको, टू स्पेल थ्रू फिंगर्स स्पेल द वर्ड्स ऑन हर पाम। तो एना टीचर जे हता, केटलीक जग्या पर एनी सुलिवान बोलवामां आवे छे, केटलीक जग्या पर एन सुलिवान बोलवामां आवे छे, तो तेना टीचरनी मददथी ते लखता शीखी। अने कई रीते लखता शीखी, तो आंगळीनी मददथी हथेळीमां स्पेलिंग लखती, शब्दो लखती। पॉइंट नंबर 3, लेटर ऑन पाछळथी मोडेथी धीमे रहीने हेलन लर्न्ड स्पीकिंग थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स एंड द वाइब्रेशन्स इन द थ्रॉट। हेलन बोलता पण शीखी, कई रीते बोलता शीखी, थ्रू एटले ना वडे, द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स मतलब के होठना हलन चलनथी, अने थ्रॉट एटले के गळामां जे कंपन थाय ए कंपननी मददथी ए बोलता पण शीख्या। पॉइंट नंबर 4, शी वॉज क्यूरियस टू नो ऑल द थिंग्स अराउंड बाय हर। एनी आसपास जे कंई पण वस्तुओ हती, जे कंई पण घटना हती, जे कंई पण व्यक्तिओ हता, एना विशे ए जाणवा माटे क्यूरियस जिज्ञासु रहती, आतुर रहती। पॉइंट नंबर 5, सी आस्क्ड मेनी क्वेश्चन्स टू हर टीचर। एक गिफ्टेड लर्नर केवू होय तो ते शिक्षक ने पुष्कळ प्रश्नो पूछता हता। पॉइंट नंबर 6, She would write in the teacher's palm and got the answer. અને તે પ્રશ્નો પૂછતી તો કઈ રીતે પૂછતી, તો હથેળીમાં સવાલો લખતી અને એના શિક્ષક પણ એને હથેળીમાં ફિંગર મૂવમેન્ટ કરીને જવાબો આપતા. પોઈન્ટ નંબર 7, સી લર્ન્ડ બ્રેઇલ રાઇટિંગ એન્ડ રીડિંગ, બ્રેઇલ સ્ક્રિપ્ટ અથવા તો બ્રેઇલ લિપિમાં એ લખતા અને વાંચતા શીખ્યા. પોઈન્ટ નંબર 8, सी ऑल्सो लर्न्ड टाइप राइटिंग एंड लैंग्वेजिस लाइक लेटिन एंड जर्मन। तेओ टाइप राइटिंग पण सीख्या, लेटिन भाषा सीख्या, जर्मन भाषा सीख्या। पॉइंट नंबर 9, शी गॉट हर ग्रेज्युएशन फ्रॉम द रेडक्लिफ कॉलेज। रेडक्लिफ कॉलेजमांथी एमणे एमनी स्नातकनी डिग्री, ग्रेज्युएशन एटले के बीए नी डिग्री पण एमणे मेळवी, एंड बिकेम द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बेचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। अने बेचलर ऑफ आर्ट्स एटले के बीए नी डिग्री मेळवनार प्रथम बहरा अने अंध व्यक्ति बन्या। पॉइंट नंबर 10, धीस शोज धेट, આ બતાવે છે, આના પરથી આપણને ખબર પડે છે કે હેલન વોઝ રિયલી અ ગિફ્ટેડ લર્નર, હેલન ખરેખર એક ગોડ ગિફ્ટેડ લર્નર એટલે કે વિદ્યાર્થી હતા. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ તો થઈ ગઈ આપણી હેલન અ ગિફ્ટેડ લર્નરની શોર્ટ નોટ, પરંતુ આ જ પાઠમાંથી બીજી એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટ નોટ નીકળે છે, એ એમના ટીચર વિશેની શોર્ટ નોટ છે, એન સુલિવાન અ વન્ડરફુલ ટીચર, એનો પણ વિડીયો
આપણી ચેનલ પરથી તમને મળી રહેશે. એટલા માટે વારંવાર કહું છું કે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેશો, જેથી કરીને દરેકે દરેક જે નવા નવા વિડીયોઝ આપણે મૂકીએ તેના નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળતા રહે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આના સિવાય પણ જો તમારા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય, કોઈ ક્વેરી હોય, કોઈ પણ ગ્રામરના ટોપિકમાં પણ તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે એ કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ પણ તમે કમેન્ટ કરીને અમને જણાવશો તો અમને ચોક્કસ આનંદ થશે. અમને ઉત્સાહ રહેશે કે નહીં, વિદ્યાર્થીઓને અમારું કામ ગમે છે. અને જો કદાચ કંઈક નહીં ગમતું હોય, કંઈક ખામી જણાતી હોય તો તમે એ સૂચન કરશો તો અમે બીજા વિડીયોમાં એ સુધારો કરીશું. સો મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. થેન્ક યુ, ટેક કેર, બી ધ ચેન્જ. જય હિન્દ.